मोटा पे छपवा के ने हाँ उन्हें दिला पैराज करन दियोने किधरो गुलाम बना के ने। अरे दिल में जगह होनी चाहिए भगत सिंह ना की जेब में। किस तरह से क्या लिखा है? हर के फायदा से भगत सिंह ने के फायदा से भगत नोटा पे छपवा के ने छपवा के ने छपवा के ने उन्हें दिला पे राज उन्हें दिला पे राज करने दो उधरो गुलाम बना के ने उन्हें दिला पे राज करने दो उधरो गुलाम बना के ने।
तीर सिपाही के पुकार से मसलो सोरे उस इनके वीर सिपाही थे मान बढ़ावन के चक्कर में मान बढ़ावन के चक्कर में बैठो मान घटा के ने घटा के ने घटा के ने बिना प्रजान करने दे लेकिन ये नहीं पता होता कि भगत सिंह की माँ का क्या नाम है। अपने घरों में फोटो लगाते हैं नौजवान एक्टर्स के, सलमान खान के लगाते हैं, कोई शाहरुख खान के लगाते हैं। अरे ये असली हीरो नहीं, अगर इस देश के कोई असली हीरो है तो भगत सिंह, राजगुरु सुखदेव, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, और अगर इस देश की कोई हीरोइन है तो झांसी वाली रानी। ये असली हीरो है इस देश के, ना कि ये फिल्मों में सीन दिखाने वाले हीरो। अगर भगत सिंह को अपना हीरो मानते हो तो अपने घर में एक फोटो जरूर भगत सिंह का होना चाहिए, एक फोटो नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जरूर होना चाहिए, क्योंकि आज उन्हीं की बदौलत हम यहाँ पे आजाद हैं अपने इस भारत देश में। अगर आज हम आजाद ना होते, आज वो वीर अपनी जान देकर देश को आजाद ना कराते, ना तो हम यहाँ रागनी गा रहे होते और ना ही तुम यहाँ रागनी सुन रहे होते, होते किसी अंग्रेज की गुलामी कर रहे होते, अंग्रेज के जूते साफ कर रहे होते, अंग्रेज के बर्तन साफ कर रहे होते। इसीलिए धन्यवाद करते हैं अपने वीरों का जिन्होंने अपने बलिदान देकर इस देश को आजाद करवाया और कहा कि ये देश कैसे वीरों का है, कैसी वीरांगनाओं का है। सुनते हैं, कहा ये देश वीर जवानों का, अलबेलों का, मस्तानों का, मेरे देश प्यारों का, मेरे देश प्यारों का कहना, ये देश दुनिया का कहना हो। या छोड़ी छाती हीरो की, या भोली सगले हीरो की, या गाते रहे की।